नमस्कार श्री राम रेफ्रिजरेशन की हमने 5 टन की आइस फैक्ट्री का प्लांट लिया है, इसको 4 साल हो गए हैं कंप्लीट। 4 साल में हमारा दोबारा गैस लीकेज हुआ है, और गैस लीकेज किसी भी कारण से हो सकता है। कंपनी ने हमें प्लांट स्टार्ट करके दिया, उसके 8 महीने बाद फर्स्ट टाइम हमारा गैस लीकेज हुआ। तो गैस लीकेज के अंदर कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, उसके अंदर कंपनी गारंटी नहीं होती है। गैस ये हमको प्रोवाइड करवा देते हैं, उसका पैसा हमको देना होता है, या मार्केट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और गैस का खर्चा कम लगभग 1000 रुपये 1 किलो का मान लो। एक बारी में 20 किलो से 21 किलो गैस हमारी लगी है। 4 साल में हमने 2 बार गैस डाला है, और इसके अलावा छोटा अगर कोई पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कंपनी में बोलते हैं, कंपनी हमको वहाँ से कुरियर द्वारा पार्ट्स को भेज देती है। और सर्विस के लिए भी हर साल सीजन स्टार्ट होने से पहले इनके बंदे आते हैं और पूरा प्लांट चेक करके जाते हैं। नहीं, पार्ट्स का कभी कोई पैसा लिया? पार्ट्स का कोई पैसा नहीं लगता है, पार्ट्स हार्दिक भाई की तरफ से भी गारंटी में है जब तक हमको देंगे। 4 साल, 1 साल की गारंटी लेके 4 साल हो गए, तो गारंटी चल रही है, गारंटी चल रही है 4 साल से गारंटी। बढ़िया है, प्लांट भी बढ़िया है, 24 घंटे में हमको बर्फ बना के दे रहे हैं। और इसकी लाइट की कॉस्टिंग मेरी अभी तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिल 48,000 रुपये का है 4 साल में, बाकी मिनिमम 20,000 रुपये 22,000 रुपये 25,000 रुपये जैसा आप प्लांट चलाएंगे वैसा बिल बनता है। हाईएस्ट लाइट बिल 48,000 जितना है। सर जी, ये आपका मिनरल वाटर का बर्फ है, आप कितने रुपए में सिली बेचते हो? अभी नॉर्मल, अब दो तरह का वाटर है हमारे पास, एक आरो का और एक नॉर्मल है। नॉर्मल वाटर का बर्फ हम बेचते हैं 250 रुपये सिल्ली, और आरो का है वो 400 रुपये सिल्ली 50 किलो की बेचते हैं। 50 किलो की बेचते हो, बराबर, यानी प्रॉफिट तो अच्छा ही है। 1 रुपये 1 किलो का कॉस्टिंग आता है ये सिल्ली, यानी 50 किलो की सिल्ली 50 रुपये में पड़ती है। इन्होंने लाइट बिल का कहा है, लेबर वेबर पानी बानी सारा कॉस्टिंग मिला के आपको 1 रुपये में पड़ती है। इस तरीके से देख लीजिए, पुराना प्लांट है, इस तरीके से देखिए, लेकिन इन्होंने हर साल कलर किया है। ये आपको दिख रहा है मशीन का, मेरा कलर ब्लू कलर का था, इन्होंने हर ब्लैक कलर कर दिया है। हर साल आप इसको कलर करोगे, मेंटेन रखोगे, तो प्लांट को कभी जंग ज्यादा नहीं लगेगी और प्लांट लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। 4 साल इस टैंक को लाइसेंस, फूड सेफ्टी का लाइसेंस लगता है इसमें, और कोई लाइसेंस? और कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। अच्छा, कोई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसा कुछ? कोई ये देखिए, आसपास में पूरा रेसिडेंस जोन के अंदर पूरा प्लांट लगा हुआ है, पूरा रेसिडेंस जोन के अंदर, इसलिए कोई अमोनिया गैस नहीं है ये। क्या आपको कोई गवर्नमेंट लाइसेंस या परमिशन चाहिए या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ लेने की जरूरत पड़ती है? जो अपने फ्रिज में और एसी में जो गैस आता है वही। सर जी, आपने मुझसे प्लांट लेने के पहले सर्वे तो किए होंगे? हाँ, एक दो प्लांट में, यहाँ भवानी मंडी में 2 प्लांट और भी है, लेकिन वो उनसे बढ़िया प्लांट मुझको ही लगा। बराबर, मेरा सबसे हाईएस्ट रेट है। ओके, है तो बराबर, फिर भी आपने मुझे ही सेलेक्ट किया। आपको सेलेक्ट किया, भाई नई टेक्नोलॉजी पे कौन नहीं जाएगा? नई टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। छह महीने तो लगे क्यों लगेंगे? इनको ऑर्डर बुक करवाओ, इनको माल तैयार करिए, इनके पर ऑर्डर आगे, उसके बाद ही माल बनना तैयार करते हैं। किसको किस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, किसको किस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये माल तैयार करते हैं। और चीज सारी हेवी है, अगर आप विजिट करोगे तो आपको चीज का मालूम पड़ेगा कि प्लांट किस टाइप का। 6 महीने तो मुझे प्लांट बनाने में लगेगा, लेकिन 6 महीने इनको भी कंस्ट्रक्शन करने में लगा। सर लगेगा, बिल्कुल लगता लगा, लाइट का कनेक्शन लेने में लगा, सब तरीके से। आपको भी अपना काम करना पड़ता है, आपको मात्र 10% जमा करवाना होता है, मैं यही कहता हूँ 80% आप अपना कंस्ट्रक्शन। इन्होंने आरसीसी बिल्डिंग बनाई, पतरे वाला शेड बनाओ, लाइट का कनेक्शन लो, बैंक लोन लेनी तो बैंक लोन का प्रोसेस करो। आपके पास 5-6 महीना 10% जमा कराओगे, वो 5-6 महीने का आपका प्रोसेस निपटाओ, तब तक हम प्लांट पूरा बना देंगे। उसके बाद माल देखकर 80% दीजिए ना। सर जी, आपसे इसी तरीके से डील किया था, 10% एडवांस, 80% माल देखकर आपने लिया, बिल्कुल बराबर 10% आपके यहाँ बर्फ निकला। उसके बाद पूरा देखिए, इन्होंने मेरा कभी भी, आज 4 साल बाद पहली बार मैं आया, पहली बार हार्दिक भाई आए हैं, इसके पहले 2 बार कंपनी विजिट करके जा चुकी है, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं। आपने पुराना वीडियो देखा हुआ, चेतन भी के शायद इनका इंटरव्यू वाला वीडियो था, 2-3 साल पहले का, वो शुरुआत के अंदर रखा हुआ था। आज 4 साल पूरा होने के बावजूद इनको कोई तकलीफ नहीं है, ये है श्रीराम का फंडा। अगर कोई कंपनी काम करती है तो इस तरीके से बताना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। जागो।
अगर कोई कंपनी वाले के पास जाते हो और वो कहता है भैया मेरा 6 महीना पुराना प्लांट देख लो, तो क्या इतने सालों से प्लांट क्यों नहीं है उसके पास? उस सोचने वाली बात है, जब दूसरों का नहीं चल रहा है तो आपका क्या चलेगा, इस बात को ध्यान रखो। बट ऊपर कूलिंग टावर लगा हुआ है, साइड में आप लोग को दिख रहा होगा सीढ़ी से ऊपर जाते तो ऊपर कूलिंग टावर है, ये ऊपर लग सकता है, ऐसा नहीं कि कूलिंग टावर को आपको पीछे बनाना पड़ेगा। कूलिंग टावर के लिए सीमेंट का हॉज आपको बनाया था, आठ बाय आठ का सीमेंट का हॉज आपको बनाना होता है। इस तरीके से आप बिल्डिंग बनाओगे, जो भी बनाना वो आपको करना है। लाइट का कनेक्शन 25 किलोवाट का आपको लेना है, ₹1 हाईएस्ट कॉस्टिंग पकड़ के चलने का, लाइट पानी लेबर सब मिलाकर पर 3 किलो। आप इसके अंदर 30 किलो का भी ब्लॉक आता है, 50 किलो का भी आता है, 100 किलो का आता है, 150 किलो का, आपको जो भी ब्लॉक चाहिए वो ब्लॉक मिलेगा। लेकिन डिसीजन आपको लेना है कितनी सिल्ली और कितनी सिल्लियाँ रोजाना निकालना चाहते हो। अधिक जुड़ने के लिए नीचे वाले नंबर पर संपर्क कीजिएगा, कॉल करने का टाइम है 9:00 से शाम के 5 बजे तक। धन्यवाद।